स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। हमने इसमें से काफ़ी कुछ पहले देख लिया था और जो अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो टॉपिक था ऑर्डर। रेट कांस्टेंट के लिए हमने क्या किया था, हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें था के, दिस इज़ कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ये तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है किसी भी रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ज़्यादा। और प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन की स्पीड क्या है, ज़्यादा। डी हमने लास्ट टर्म पे देख लिया था। इसके बाद क्या किया था, प्रोपोर्शनल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट के, और ये क्या हो गया यहाँ पे आर। इतना हमने पहले देख लिया था, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और इसे के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इसके बाद मैंने नेक्स्ट बात करी थी तुमसे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी यूनिट तो क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए क्या होती है, अलग अलग। ये हमने सॉल्व कर लिया था इससे पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी का मतलब किससे है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। कहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखने, कौन सी इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो कितने मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट काम कर रहे हैं, यही तो रिएक्टेंट है। कितने हैं यहाँ पर, वन, तो मॉलिक्यूलरिटी वन। यहाँ कितने हैं, टू, तो मॉलिक्यूलरिटी टू। अब यहाँ देखो दो रिएक्टेंट है ना, लेकिन तुम्हें देखना क्या है, तुम्हें देखना है कि दोनों रिएक्टेंट की बात करें तो कितने कितने मॉलिक्यूल हैं। इसके वन है यहाँ पर, ठीक है, और इसका भी कितना है यहाँ पे, वन। तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी आने वाली है, वन प्लस वन कितना हो गया, टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वन, ये वन, और ये भी क्या है यहाँ पे, वन, तो कितना हो गया, वन वन वन, और ये कितना हो गया, थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब वो चाहे वन हो, टू हो, थ्री हो, हर रिएक्शन में रिएक्टेंट तो होगा ही ना, रिएक्टेंट होगा तभी तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यही होगा। तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं उसे अपन क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब देखो ये तो क्या हो गया, जनरल एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर सम अदर एग्जाम्पल्स, जैसे और एग्जाम्पल की बात करें तो ये लिखा यहाँ पे मैंने H2O+Cl2, और ये क्या बना, 2HCl। पहली बात तो ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ दो हाइड्रोजन, दो Cl, और ये भी दो हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी देखो। तो मैं क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऐसे देखना है, स्टोइकोमेट्री चेक करनी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका यहाँ पे कितना है, वन, ठीक है, इधर यहाँ पे कितना है, ये वन, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आनी है, वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू। एक और रिएक्शन लिखते समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये लिखा मैंने N2H2, हमने ये पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया, है ना। अब देखो अमोनिया बन गया, लेकिन इससे मॉलिक्यूलरिटी नहीं आएगी। मॉलिक्यूलरिटी तुम्हें क्या करना है, मॉलिक्यूलरिटी अगर एक्चुअल मॉलिक्यूलरिटी चेक करनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बैलेंस करो इस इक्वेशन को, N2, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये टू। हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स, तो ये क्या कर दिया, थ्री। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी तुम्हें क्या देखनी है, इसकी स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री मैंने तुम्हें बता रखा है केमिकल काइनेटिक्स, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टोइकोमेट्री क्या होती है। तो देखो स्टोइकोमेट्री क्या होती है, यहाँ पर ये था ना, इसको कितना लिखा, वन, ये इसकी स्टोइकोमेट्री, यानी कितने मोल्स है, वन है, यहाँ कितने, थ्री। अब तुम्हें सिर्फ क्या चेक करने, रिएक्टेंट, इस रिएक्शन को होने के लिए, बैलेंस्ड होने के लिए कितने रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं, एक यहाँ से, तीन यहाँ से, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1+3=4, ठीक है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस के आंसर तो दे दिया करो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज क्या मॉलिक्यूलरिटी, कैन मॉलिक्यूलरिटी बी ज़ीरो, कैन मॉलिक्यूलरिटी बी ज़ीरो, क्या मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो भी हो सकती है कि किसी रिएक्शन के लिए, इसका आंसर देना, कैन मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो हो सकती है क्या, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और मॉलिक्यूलरिटी में सिर्फ इतना ही है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज़ में आ रहे हैं, रिएक्टेंट देखने हैं बस, वही क्या हो जाएगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें देख नहीं रहा, ऊपर लिख देती हूँ, वैसे तुमने सुन लिया होगा, कैन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो हो सकती है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर मैं उसको शॉर्ट में बताऊं तो देखो एक बार देखते हैं हमने क्या हमने स्टडी कर लिया है। देखो सबसे पहले हमने देखा था
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद हमने देखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी हो गया था, आर एवरेज शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिर देखा था हमने इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बाद देखा था हमने यूनिट्स देखी थी इसकी, आर की क्या देखी थी, यूनिट देखी थी। नेक्स्ट इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल किए थे। फिर इसके बाद हमने देखा था के रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बाद इसकी यूनिट की बात कर ली थी, डिफाइन भी किया था हमने इसको के को, रेट कांस्टेंट को। रेट कांस्टेंट का एक और नाम क्या था, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इतना सब कुछ हमने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद आज हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस हो चुकी है। और अब आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम बोलते हैं ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो ये ऑर्डर होता क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। देखो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। देखो क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो हमने वहाँ पे भी देखे थे, है ना, और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इन, वहाँ पे भी क्या था, प्रेजेंट इन। यहाँ क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसकी हम अभी बात करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन लिख दी, उसकी स्पीड, स्पीड को हम क्या बोलते हैं, रेट, उसकी स्पीड को डिसाइड करने वाला जो स्टेप होगा उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर। इसका मतलब समझेंगे अभी, पहले क्या होता है, देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए प्लस बी, और ये क्या बन गया यहाँ पे, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक बात समझो, जैसे क्या हुआ, एक क्लास है, एक क्लास में स्टूडेंट है, और उस क्लास में क्या हो गया, 100 स्टूडेंट है। तो अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो तुम क्या बोलोगे, 100। तो ये तो इसकी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ये तो इसकी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो क्लास की जो क्या है, एक स्कूल को दूसरे स्कूल से कंपेयर करें, क्लासेस को कंपेयर करें, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, जो टॉपर होंगे उन पर डिपेंड करेगा, ऐसी तो होगा। क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हो, तो 100 स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा, टॉप आउट ऑफ टॉप तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, जो टॉपर होंगे उस पर डिपेंड करेगा, ऐसे ही यहाँ होगा। इस रिएक्शन में बताओ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, पहले तो ये बताओ कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक ये है, एक ये है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी आ गई, दो। मॉलिक्यूलरिटी तो बहुत सिंपल है, बस उसको देख के बता दोगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी आ गई, टू आ गई, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर, ऑर्डर कैसे आएगा। देखो ये रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट का बनना, प्रोडक्ट के बनने की स्पीड ज़रूरी नहीं है दोनों पे डिपेंड करे, ए पर भी करे और बी पर भी करे, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता लगा कि प्रोडक्ट तो बनता जा रहा है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनने की स्पीड है वो ए और बी दोनों पे डिपेंड करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट का बनना हमें पता है किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पर, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी रिएक्शन में 500 रिएक्टेंट है तो 500 पे ही डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होगा ना, किसी पर करेगी और किसी पर नहीं करेगी, या हो सकता है सब पर ही करे। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझो, मॉलिक्यूलरिटी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, अगर 500 मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, 500। ये बताएगा हमें कि उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्डर क्या बताएगा, टॉपर्स को बताएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हैं तो ये भी रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट के बनने की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करेगी, ए पर या फिर किस पर डिपेंड करेगी, बी पर। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर। इतना समझ में आ गया, ये तो क्या हो गया, ऑर्डर। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी तो क्या होता है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सामने, है ना। अब मॉलिक्यूलरिटी तो क्या होता है कि हम इसको देख के पता लगा सकते हैं, एक ये है, एक ये है, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो। कुछ भी नहीं करना मॉलिक्यूलरिटी में, सिर्फ तुम्हें क्या क्या देखना, डायरेक्ट रिएक्टेंट। ऑर्डर कैसे आएगा, हमें कैसे पता लगेगा कि इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी स्पीड इन दोनों में से किस पर डिपेंड करेगी, नहीं पता लगा सकते ना, क्योंकि ये तो कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटेड है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही पता लगेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेड जो स्टेप आता है जिससे हमें पता लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दोबारा सुनो, ऑर्डर कहाँ से आएगा, ऑर्डर आएगा एक्सपेरिमेंटेड आएगा, यानी इनमें से किस पर डिपेंड करेगी। तो उसके लिए क्या किया, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करते हैं, एग्ज़ाम में तुम्हें यहाँ तक लिख के देगा, उसके बाद ये वाला स्टेप भी लिख के देगा, आर, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट। अब उसने यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है, सपोज करो उसने ऐसे लिखा है, बी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या पता लगा कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट यानी स्पीड,
किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ ए पर। वो अगर एग्ज़ाम में तुमसे ऑर्डर पूछेगा, ठीक है, तो ऑर्डर के साथ तुम्हें ये भी लिख कर देगा। और ये कहाँ से आता है? ये एक्सपेरिमेंटेडली आता है। एक्सपेरिमेंट करने पर हमें पता लगा कि इस रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ ए पर। तो इसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसकी पावर को देखना है। सपोज़ करो कि अब मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ। देखो, डेफिनेशन को हटा देते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल की बात करेंगे। आप ये लिखा है यहाँ पर ए प्लस बी, और ये बना यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद उसने लिख के दिया हमें रेट इक्वल्स टू के और ए, और यहाँ लिख दिया बी। चलो अभी तो पहले ये करते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट है। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या बताना है? मॉलिक्यूलरिटी और क्या हो गया? ऑर्डर। अब बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी आनी है? अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, तो मॉलिक्यूलरिटी कैसे देखते हैं? मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं हम किससे? बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको, ये तो जनरल इक्वेशन है, इसको तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट देख लो बस, ए कितनी स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्यो मतलब आगे कितनी डिजिट है, यहाँ पे 1 है ना, इसको यहाँ लिखें, और इसके आगे भी कितनी है यहाँ पे 1। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? 1 + 1 = 2, ठीक है। ये तो क्या हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर किससे आता है? ऑर्डर आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपेरिमेंट किया तभी हमें पता लगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड है, वो ए पर भी डिपेंड कर रही है और बी पर भी। अब इसकी पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1 + 1 = 2, ठीक है। फिर लिखा हमने एग्जांपल सेकंड, ए लिखा प्लस बी, और ये क्या बन गया? प्रोडक्ट, क्योंकि एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। आर प्रोपोर्शनल के, ये लिखा ए, और ये क्या हो गया? बी, 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया? इसको देख के मत समझना, ये कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट करके पता लगा है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें वो दे देगा कि मॉलिक्यूलरिटी बताओ और क्या बताना है? ऑर्डर। कैसे करोगे? मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 ट्रू ही रहेगी, डायरेक्ट कर देते हैं 2। ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऑर्डर यहाँ से आएगा, ठीक है। और ऑर्डर कैसे करोगे? ये 1 है, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। ऑर्डर पता, ये आता है कहाँ से? थ्योरेटिकल। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल, जो ये वैल्यू होती है कौन सी? मॉलिक्यूलरिटी। थ्योरेटिकल जो मॉलिक्यूलरिटी है वो तो कौन सी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। और जो ऑर्डर है वो कौन सी है? एक्सपेरिमेंटेड। ये कितना आ गया? 1 + 1/2 = 3/2, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद, एग्जांपल थर्ड, ये लिखा ए प्लस बी प्लस सी, 3 रिएक्टेंट है, और ये क्या यहाँ पे? प्रोडक्ट। फिर लिखा उसने यहाँ पे आर हमें दे रखा है, कैसे? के कांस्टेंट, ए की पावर 2 और सी दे दिया। अब बताओ इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, ऑर्डर कितनी आएगी? मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से देखनी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देख लेंगे इसको। ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 3, है ना। और ऑर्डर यहाँ से आएगा, ये 2 है, ये 1 है, 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी समझ में आया? मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने भी हो, अब 2 हैं, 3 हैं, 200 हैं, तो वो क्या हो जाएगी उसकी? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा? 100% रिएक्टेंट तो होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही क्या बनना है? प्रोडक्ट बनना है, यही तो होगा। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कितने हैं वही उसकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या होगा? अब मान लो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट अपने पास है ना, इससे रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट का बनना सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर कर रहा है, ठीक है, इस वाले पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको हटा दें। तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट के बनने की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर। और कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा उसकी? मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हमें कैसे पता लगेगी? मॉलिक्यूलरिटी पता लगेगी हमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस कर दो, इनमें तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जितने भी देखें वही सब हो जाएंगे। अभी करेंगे अपन एग्जांपल, तो रिएक्शन को बैलेंस कर दो और क्या आ जाएगी उसकी? मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऑर्डर आएगा इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है,
आर आर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, एग्ज़ाम में जब भी ऑर्डर फाइंड करवाएगा तो ये हमें लिख कर देगा। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आता है देखो, इसकी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है जहाँ से आएगा, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, और इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने पूछा हमसे एक तो मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर, इन दोनों को उसने क्या किया, फाइंड करवाया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक बात सुनना, अगर मैं तुमसे बात करूँ मॉलिक्यूलरिटी तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या चेक करने मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस रिएक्शन में, ये मैकेनिज्म है, इससे हमें कोई काम नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यहाँ पर, दो है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी तो हमारा आंसर कितना आ गया, टू। मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी हो गई, दो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को फाइंड करने के लिए मैंने तुमसे क्या कहा था कि या तो वो हमें क्या देगा, आर इक्वल्स टू के, ऐसे कुछ लिख के देगा, लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा कुछ उसने लिख के नहीं दिया, तो ऑर्डर कैसे आएगा। अब दूसरी बात, ऑर्डर कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटेड। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेड जब हमने किया तो जब हम किसी रिएक्शन को लिखेंगे तो उसके क्या होते हैं, एक स्टेप होगा, दूसरा होगा, तीसरा स्टेप होगा, तो ये रिएक्शन के क्या है यहाँ पर, स्टेप। हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आना एग्ज़ाम में ये कि स्टेप लिख के दे, वो लिख के देगा खुद अगर देगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने ये सब कुछ लिख के दे रखा है। अब इसमें तुम नोटिस क्या करोगे, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप, और ये भी क्या है, फास्ट स्टेप। ये तो रिएक्शन दोनों सेकेंड और थर्ड इतनी फास्ट हो रही है कि हम कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, इसका मतलब हमें रिएक्शन के बारे में जो भी कुछ पता लगेगा वो कौन से स्टेप से पता लगेगा, स्लो स्टेप से, क्योंकि फास्ट वालों की तो स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो स्लो स्टेप होता है ना किसी भी रिएक्शन के लिए, वो कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइन। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड कम ज़्यादा करने वाला स्टेप, स्लो स्टेप होता है, फास्ट से हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और इसी स्टेप से, ये स्टेप कहाँ से आया, मैकेनिज्म से आया, एक्सपेरिमेंट से आया, और इसी स्टेप से हमें क्या पता लगेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फास्ट वाले कोई काम में नहीं आने, फास्ट वाले कोई काम में आने नहीं आने, सिर्फ किसको देखना है, स्लो स्टेप को, और इस स्लो स्टेप में कितने क्या है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पर एक ही तो है N2O5, यहाँ पर कितना है, वन ही है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं क्या लिखूँ, आर लिखूँ, तो क्या होगा, आर कॉन्स्टेंट आता ही है। अब देखो फास्ट को हमें देखना है नहीं देखना, फास्ट को हमें देखना है नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है स्लो, और स्लो वाले में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक ही है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, और पावर कितनी है, वन, लगाना चाहो तो लगा दो, ये रहा। तो ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर यहाँ से आएगा, तो ऑर्डर कितना हो गया इस रिएक्शन का, वन। ठीक है, मैं तुम्हें ये क्यों बताया, देखो एग्ज़ाम में तुमसे ऐसे नहीं कहेगा कि मैकेनिज्म लिखो, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म को वो लिख कर देगा। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड वालों को इतना सब लिखने में क्या होगा, आधा पेज वैसे ही चला जाएगा, तो इसलिए वो क्वेश्चन इस तरह से देंगे ही नहीं। अगर इन केस कहीं पर क्वेश्चन आता है ऑर्डर को फाइंड करना है, तो क्या करेगा, ऐसे लिख कर देगा वो तुम्हें। ठीक है, और फिर हम पता लगा लेंगे इससे कि ऑर्डर कितना है। और अगर बाई चांस मान लो कि ये दे दिया, तो तुम्हें किसको देखना है, स्लो स्टेप को, स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वन, तो जितना भी आ जाए, एक हो तो एक लिख देंगे, दो है तो दो। एक बात और, अब देखो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, टू, ऑर्डर कितना है, वन, तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है। अगर मॉलिक्यूलरिटी दो है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, तो उसका ऑर्डर भी कितना हो, दो, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, हमने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों डिस्कस कर लिए, और तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, कैन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बी ज़ीरो, क्या किसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो हो सकती है क्या। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।